कैसे आप अपनी बाइक का पेट्रोल सेव कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट वीडियो में देखा 25 से 33 पहली बार सेकंड थर्ड या फोर्थ गियर में भी आपको बेस्ट एवरेज। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो अपना रहने वाला है कि कैसे आप अपनी बाइक का पेट्रोल सेव कर सकते हैं, प्लस कैसे आपको अपना एवरेज बढ़ाना है बाइक का। तो कुछ पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। ये रही हमारी TVS RR 310 एंड प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी गाड़ी का एवरेज बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे अपना बाइक का एवरेज 25 से 33 तक लेके गया इन सिटी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कहीं तो आ जाएगी, प्लीज़ उसको देखना। तो जैसा कि लोग को पता है कि TVS RR 310 में चार मोड आते हैं, तो ये अर्बन मोड का है जो मैंने 33 अपना एवरेज निकाला। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा तो भी मेरे को ये एवरेज मिल जाएगा, नहीं तो एवरेज डाउन हो जाएगा। तो अर्बन मोड में बेस्ट एवरेज इस बाइक में मिल सकता है। बाकी बाइकों का आप अपना अपना देख लीजिए जिसके पास जो बाइक हो। पहली बात जो आप लोग को ध्यान रखनी है जब भी आप सिटी में बाइक चला रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस गियर में आप कितना स्पीड पे बाइक चला रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका गियर सेकंड में है और स्पीड आपकी जा रही है 60-70, ना ऐसा होना चाहिए कि स्पीड आपकी 20-30 रह रही है और गियर आप फिफ्थ या फोर्थ में चला रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो फिर एवरेज आपको अच्छा नहीं मिल सकता है। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो बस एटलीस्ट इतना करो कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो सेकंड थर्ड या फोर्थ गियर में ही सिटी में चले। ऐसा नहीं हो कि फिफ्थ या सिक्स्थ गियर में आप अपनी बाइक चला रहे हो। अगर इतना कर लोगे तो भी आपको बेस्ट एवरेज मिल जाएगा आपकी बाइक का। सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है जब आप बाइक चला रहे हैं सिटी में, कि आपको ज़्यादा थ्रोटल नहीं देना है। थ्रोटल मतलब ये एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं देना है। जब भी थोड़ा बहुत जगह मिलता है, जब भी हम सिटी में राइड कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग की आदत होती है कि थोड़ी जगह मिली तो एकदम से थ्रोटल देके गाड़ी को भगा लेते हैं, या कभी कभी शो ऑफ के चक्कर में हम लोग गाड़ी को एकदम से भगाते हैं। वो नहीं करना है, उससे आपका एवरेज बस ड्रॉप होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बाइक खड़ी है तो कैसे आप अपना पेट्रोल बचा सकते हैं और अपने कुछ पैसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रैफिक में हैं और सिग्नल पे खड़े हैं तो आपको करना है कि आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें कुछ देर के लिए। यह आपको तब करना है जब आपकी गाड़ी अगर 15-20 सेकंड से ऊपर वहाँ खड़ी है तो ही ये बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड का अगर सिग्नल है तो भी आप बंद कर दो तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। अगर ज़्यादा देर के लिए आप वहाँ रुक रहे हो तो प्लीज़ अपना बाइक या स्कूटी को बंद करें, तो आप इससे अपना काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बचा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब बाइक खड़ी है तो आपको करना क्या है, जब भी आप बाइक चालू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन काफ़ी देते हैं बाइक जब खड़ी है, बस ऐसे ही गर्म हो रही है बोलते हैं या कुछ तो रीज़न देके हम करते हैं, बट हमको ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। जब भी चालू करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये नहीं करना है। इससे बाइक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ आप अपना पेट्रोल को उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं मिलता है इससे। बस क्यों करते हैं लोग ऐसा नहीं पता, उनको भी नहीं पता, तो आज मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, कभी एक्सेलरेशन नहीं देना है। नॉर्मल चालू करके छोड़ दो, उससे भी काम चल जाएगा, एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। लास्ट पॉइंट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद में रखना कि अपनी बाइक को कभी भी आप धूप में खड़ी मत करो। अगर धूप में खड़ी करोगे तो ये पता ही है सब लोग को कि पेट्रोल उड़ जाता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट चाहिए तो मैं करके दिखा दूंगा आपको आगे वाली कोई भी वीडियो में कि हाँ सच में पेट्रोल उड़ता है। काफ़ी लोग को नहीं पता है ये चीज़, बट हाँ पेट्रोल उड़ता है और ये मैंने देखा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अपनी बाइक को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी मत करो। तो वो भी एक आपको पेट्रोल बचाने वाला ही पॉइंट है कि इससे भी आपकी पेट्रोल बचेगी, पेट्रोल बचेगी तो पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो एक्स्ट्रा पेट्रोल खरीद पाओगे। तो बस आई थिंक ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। अगर हो गए हैं तो प्लीज़ ये फॉलो करो। अगर आपका एवरेज बढ़ता है तो मेरे को कमेंट में बताना कि हाँ भैया मेरा एवरेज बढ़ा है जो आपने पॉइंट बताए हैं। तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, अभी आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।